सुनो, सब्सक्राइब करते हुए ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते बॉस। हेलो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एडी बैग। हाउ आर यू? आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। और सही मानों में वैसे रोज़ों का पता चल गया बॉस, बहुत कड़क रोज़ हैं। इतनी सख्त गर्मी और उसके बावजूद वर्क लाइफ बैलेंस तो हाथ में आ जाती, सीरियसली। अच्छा, बाय द वे, अभी मैंने कुछ 3-4 दिन पहले अपना एक व्लॉग शूट किया है और पोस्ट किया है खावर रियाज के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप डेफिनेटली देखेगा। उसमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें, और उन्होंने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं उसमें। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी मसाला है, काफ़ी विटी है, टू द पॉइंट है, जो कि पब्लिक ने बहुत लाइक किया है। तो आप भी मेरे चैनल एडी बैग के ऊपर जाके ये देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। आई एम श्योर आएगा, बिकॉज आई रियली वर्क सो हार्ड ऑन इट। तो जब कोई बंदा हार्ड वर्क करता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ऑब्वियसली रमज़ान से रिलेटेड है। और रमज़ान पहले और अब, यानी मेरे बचपन में, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 25 years back, और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही रमज़ान पाकिस्तान में तब भी हुआ करता था और अब भी हुआ करता था। आई रिमेंबर उस ज़माने में क्या होता था कि मेरी मदर जो हैं या हमारी अम्मियाँ जो कि मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, घर घर अफ्तारी जाया करती थी, अफ्तारी आया करती थी, लोग मस्जिदों में अफ्तारी भेजा करते थे। और इतनी चहल पहल होती थी रमज़ान के महीने में कि सबको पता था किसी घर क्या बन रहा है। एक अच्छी चीज़ होती थी, एक पॉजिटिव एनर्जी होती थी मोहल्ले में। और शायद मेरे ख्याल में उस वक्त ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोग, तो लोग बहुत ज़्यादा सिंपल थे, सिंपल तरीके से जीते थे। और इस मंथ को, इस होली मंथ को, इसका पूरा एक तकद्दस होता था और इसको ऑब्ज़र्व किया करते थे और सब बहुत खुश रहा करते थे, थोड़े में खुश रहते थे। लेकिन आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली मेरी आँखों के सामने दूसरे घर पता नहीं होता कि किसी ने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया, किसी ने रोज़ा रखा है, सिर्फ पानी पी के रखा है, या उसने कुछ खाया है। वी हैव नो आइडिया, बिकॉज हम लोग इतने बिजी हैं कि हम अपने आप में इतने ज़्यादा मगन हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलें, हम बहुत मसरूफ़ सही, लेकिन थोड़ा सा टाइम उन लोगों के भी निकालें कि जो लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या सफ़ेद पोशी के आलम में वो किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते। प्लीज़, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड दैट हैज़ रियली टच मी नाउ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से कुछ 2-3 इस तरह के वाकये देखे हैं कि मेरा दिल भर आया। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विजुअल चलाऊँगा और ये विजुअल आप देखिए, और इस विजुअल में आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे शहर में इतनी ज़्यादा अफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मिनिमम 1500 रेट लिस्ट की अफ्तारी होती है जिसमें विद टैक्स छोटा सा लिखा होता है, और लोग जाके अफ्तारियाँ करते हैं, फैमिलीज़ को लेके जाते हैं, फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, तो इन्वाइट देम ओवर। और साथ में एक बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर जब हम देखते हैं, उसका दूसरा पहलू देखते हैं, तो वो लोग भी होते हैं जो कि इफ्तारी के लिए कुछ बेहतर खाने के लिए अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि चाहे उन्हें ताज़ा फल मिल जाए, थोड़ी सी खजूरें मिल जाएं, और उनके लिए 1500 रुपीज़ एक साथ देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे यहाँ ये होता है अनफॉर्चुनेटली कि करोड़ लोगों के पास एक रुपया भी नहीं होता, और एक आदमी के पास करोड़ों रुपए होते हैं इन चीज़ों पर ज़ाया करने के लिए। सॉरी बट इट्स हार्ड एंड ट्रू। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा सीरियस और गंभीर बातें होंगी, लेकिन दिल भरा हुआ था तो आपके साथ ही डिस्कस नहीं करना था, और किसी का करना था। फरहान का पहला क्वेश्चन है, वो पूछते हैं, व्हाट इज़ योर मोस्ट चैलेंजिंग डोमेस्टिक वर्क टू डू? फरहान, चैलेंजिंग डोमेस्टिक, मैं वैसे घर के अपने काम करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इट्स अ नाइट मेड टू क्लीन अप माई ओन स्निकर्स। जो मेरे स्निकर्स हैं उनको, वो जब मैले हो जाते हैं तो उनको फिर धोना बहुत बड़ा अजाब होता है, और उसको सर्व करना और इसके बाद उसको सुखाना, उसको ब्रश से रब करना, सो वो एक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट का काम होता है जो कि जिसे मैं काफ़ी चलता हूँ। ओके, बिलाल हैज़ आस्क्ड मी, आर यू एन ई लर्नर?
No, Bilal, personally, you know, I like sniffing the whole book. I mean, main books zyada read karna pasand karta hu. E-learning, yeah, I mean, jab aapko kuch instant information chahiye hoti, so you can just Google it, search it, aur aap dekh lete hain, and you know, you're fine with it when it comes to a different topic or ya koi quotation hoti hai, ya koi aapko reference chahiye hota hai. बट आजकल जो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ रेफरेंस उसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं दैट्स कॉल्ड चिकन सूप फॉर सोल्स दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और उसमें ज़िंदगी की काफ़ी जो रियलिटीज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से विटी तरीके से बयान किया गया है सैड भी हैं लेकिन उसमें सैड में सैडनेस में इतने इमोशंस हैं कि आप काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन नदीम हैज़ आस्क्ड मी आर यू फसी अबाउट फूड नदीम आई वॉज वेरी मच फसी बट लाइक अब तो मैं अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खा लेता हूँ कोई नखरा नहीं है मैं बस हाँ रेड मीट थोड़ा अवॉइड करता हूँ बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है आई लव एवरी थिंग आई लव दाल चावल आई लव सब्जी आई लव पकौड़े एंड एवरी थिंग मैं बहुत चटो रहा हूँ भाई अच्छा उसके बाद जनाब अली ने मुझसे पूछा विच रोल डू यू प्ले द मोस्ट or you've been playing the most. Ali, I mean, I have been doing different roles on TV and my channel as well, but if you're asking me which role do I play the most, I think I'll answer in this way, in this context, ki which role I enjoy playing the most. So, wo to ek hi hai. Meri jaani maani Lata ji, unka role karte hue mujhe bahut acha lagta hai. मेरी फेवरेट हैं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन मुझे हमेशा उनकी मिमिक्री करते बड़ा मज़ा आता है अच्छा जी फिर हैं साकिब और साकिब ने मुझसे पूछा है एडी डोरेमोन और टॉम एंड जेरी अच्छा डोरेमोन वैसे वो मैंने अभी तक सिर्फ हिंदी में ही देखा जब भी वो चैनल्स पे आ रहा होता है वो उसमें हिंदी चल रही होती है मैंने सपना देखा अरे कोई दुर्घटना ना हो जाए कुछ इस तरह की चीज़ देखो देखो वो आ रहा है तो इट्स फनी बट ऑल टाइम फेवरेट टॉम एंड जेरी बचपन से लेके अब तक वाकई में आई लव टॉम एंड जेरी और टॉम एंड जेरी मतलब हर जगह पे चल रहा होता है कभी आप किसी के ऑफिस गए हैं अच्छा नहीं कहना था ओके उस्मान हैज़ आस्क्ड मी योर फेवरेट फूड फॉर सहरी फॉर माई फेवरेट फूड फॉर सहरी अच्छा वैसे वीकडेज़ के ऊपर तो क्या होता है कि दही और रोटी से गुजारा हो जाता है लेकिन वीकेंड्स के ऊपर आई डेफिनेटली हैव आलू का पराठा एंड लस्सी फॉर सहरी ये मुझे बहुत पसंद है लास्ट क्वेश्चन इज़ बाय नीलोफर नीलोफर हैज़ आस्क्ड मी हाउ डू यू चूज़ योर क्वेश्चंस फॉर सवाल सैटरडे इंटरेस्टिंग नीलोफर क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन एंड अदरवाइज पीपल ईमेल मी तो फिर उनमें से कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं पिक कर लेता हूँ जो कि मैं थोड़े इंटरेस्टिंग बिकॉज लाइक अब मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ हाय एडी हाउ आर यू या लुकिंग कूल या एडी आई लव यू और सुनाए एडी या दिल और हार्ट और उसका मैं आपको क्या क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ होती बड़ी मासूम से विश है लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चंस फिर आपके लिए सॉर्ट आउट करने होते ताकि आप लोग बोर ना हो तो जी ये था आज का सवाल सैटरडे और जाने से पहले फिर मैं ये कहूँगा कि आप जो कुछ भी खा रहे होते हैं या जो कुछ भी आपके घर में होता है कोशिश किया कीजिए कि दूसरों के साथ शेयर भी करें और कुछ नहीं तो आपको दुआएं लग जाएंगी और दुआएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी और टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम ऑन सवाल सैटरडे इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड टिल वी मीट अगेन लव लव जल्दी आना हाँ